दोस्तों, अगर आपने जेसन हॉरर स्टोरी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था जेसन 3 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद गुल्ली बुल्ली और मिशेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गुल्ली बुल्ली और मिशेल डर के मारे भूसे के ढेर के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन जेसन ने इन तीनों को इसी बार्न के अंदर आते हुए देखा था, इसलिए वो इनके पीछे पीछे बार्न के अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद जेसन इन तीनों को बार्न के अंदर ढूंढता है, लेकिन कोई भी जेसन को नज़र नहीं आता। लेकिन तभी छुपने छुपाने की वजह से भूसे का एक ढेर पलट जाता है और जेसन इन तीनों को देख लेता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली बुल्ली और मिशेल को देखने के बाद जेसन इन तीनों की तरफ आगे बढ़ता है। लगता है इन तीनों को जेसन अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन गुल्ली बुल्ली और मिशेल तो बार्न की टूटी हुई दीवार के नीचे से बाहर निकल गए। ये देखकर जेसन को झटका लगता है और वह गुस्से से इन तीनों को ढूंढने निकल पड़ता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और मिशेल बार्न के पीछे छुपे हुए हैं और जेसन के चले जाने का इंतजार कर रहे हैं। बुल्ली कहता है, जब तक जेसन बार्न से दूर नहीं चला जाता, जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, वरना वो हमें देख लेगा और फिर हमारा काम तमाम। गुल्ली कहता है, हम दोनों बाहर चलकर देखते हैं, मिशेल को यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन बुल्ली कहता है कि तुम मिशेल के साथ रहो, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर बुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन बुल्ली को धीरे धीरे बिना आवाज किए आगे बढ़ना होगा, नहीं तो जेसन उसे मार डालेगा। बुल्ली जब बार्न के अंदर देखता है तो उसे बार्न पूरा खाली मिलता है, यानी कि जेसन यहां से जा चुका है। बुल्ली वापस पलटता है और धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। उसे ये बात गुल्ली और मिशेल को बतानी होगी। बुल्ली वापस आते ही गुल्ली और मिशेल को बताता है कि बार्न पूरा खाली है, जेसन हमें ढूंढते हुए कहीं और चला गया है, हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। गुल्ली कहता है कि कब तक हम लोग इस तरह छुपते रहेंगे, हमें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। मिशेल कहती है कि हमें सबसे पहले केविन के पास चलना चाहिए, फिर हम चारों गाड़ी में बैठकर यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। बुल्ली कहता है, हाँ हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और मिशेल केविन को ढूंढने निकल जाते हैं। जेसन से इनकी मुलाकात कभी भी हो सकती है, इसलिए तीनों को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और इधर केविन बिल्कुल अकेला पड़ गया है, वो नहीं जानता कि गुल्ली बुल्ली और मिशेल कहाँ हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ भी है। केविन घर से बाहर आता है और चारों तरफ देखता है, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि कौन मर गया है और कौन जिंदा है। और फिर वो सीधे गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई और केविन गाड़ी लेकर निकल गया तो फिर गुल्ली बुल्ली और मिशेल का क्या होगा, वो तीनों किस तरह यहाँ से बाहर निकलेंगे। केविन भागते हुए सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लगता है केविन की जान बच जाएगी, वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएगा। Make mommy proud, Jason. Don't let them escape.
गुल्ली बुल्ली और मिशेल एक घर के पीछे छुपकर यहाँ से निकलने की प्लानिंग बना रहे हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि मैं और मिशेल गाड़ी में जाकर बैठते हैं और तुम केविन को लेकर आओ, लेकिन ये काम तुम्हें जल्दी करना होगा। बुल्ली कहता है जब तक मैं केविन को लेकर ना आ जाऊं तब तक गाड़ी स्टार्ट मत करना, वरना जेसन हमारे पीछे पड़ जाएगा। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली और मिशेल उस घर की तरफ चल दिए जहाँ केविन छुपा हुआ था। इन तीनों में से कोई ये नहीं जानता जिसे वो ढूंढने जा रहे हैं वो पहले ही मर चुका है, जेसन ने उसे मार दिया है। और अब उसकी नजर गुल्ली बुल्ली और मिशेल पर है, अब कोई और मरने वाला है। गुल्ली और मिशेल घर के पीछे लगी हुई विंडो खोलते हैं और बुल्ली अंदर चला जाता है। और अंदर जाते ही बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गाड़ी में बैठने के बाद बाहर मत निकलना। गुल्ली कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम जल्दी करना, हमारे पास टाइम कम है। लेकिन तभी वो जेसन को आते हुए देखते हैं। गुल्ली और मिशेल गाड़ी की तरफ भागते हैं और बुल्ली घर के अंदर की तरफ भागता है, लेकिन बुल्ली को जल्दी घर से बाहर निकलना होगा वरना वो मारा जाएगा। गुल्ली और मिशेल जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि केविन मर चुका है, लेकिन गुल्ली ये बात बुल्ली को कैसे बताएगा क्योंकि सामने से तो जेसन आ रहा है। Kill them all, Jason. गुल्ली जेसन को घर के अंदर जाते हुए देख रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बुल्ली ने मना किया था गाड़ी से बाहर मत निकलना। गुल्ली आखिर गाड़ी से बाहर निकल आया क्योंकि उसे बुल्ली को बताना होगा कि जेसन घर के अंदर आ चुका है, जल्दी बाहर निकलो वरना बुल्ली मारा जाएगा। और इधर बुल्ली पहले ही घर से बाहर निकल आया। गुल्ली को अपने सामने देखकर बुल्ली बोला, मैंने तुमसे मना किया था कि गाड़ी से बाहर मत निकलना और तुम मिशेल को अकेला छोड़ आए, जेसन उसे मार डालेगा। तभी गुल्ली ने कहा, मैं तुम्हें बताने आया था जेसन घर के अंदर है और उसने केविन को गाड़ी के अंदर मार डाला है। लगता है जेसन घर से बाहर आ रहा है, भागो जल्दी। और फिर गुल्ली और बुल्ली गाड़ी की तरफ भागते हैं। और इधर मिशेल गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। गुल्ली कहता है कि जल्दी करो मिशेल, जेसन इधर ही आ रहा है। जेसन को देखकर मिशेल की हालत ख़राब हो जाती है। गुल्ली कहता है कि तुम पहले गाड़ी का शीशा बंद करो। मिशेल जल्दी से गाड़ी का शीशा बंद करती है।
दोस्तों अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।